उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पिछले 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मजदूरों के सुरक्षित निकाले जाने पर रेस्क्यू टीम को बधाई दी और इस पल को भावुक कर देने वाला पल बताया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूँ। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। आपको बता दें कि पूरा देश इन श्रमिकों के सकुशल बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मजदूरों के परिजन तो पलके बिछाए अपने परिवार वालों की बाट जो रहे थे। ऐसे में मजदूरों के बाहर आने के बाद मौके पर मौजूद कई लोगों की आंखें खुशी से भर आई। जिस किसी ने भी इस दृश्य को टीवी पर देखा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। टनल के बाहर तो मजदूरों के सुरक्षित लौटने पर स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटी। आज रात 8 बजे करीब जैसे ही पहले जत्थे में 5 मजदूर टनल से बाहर आए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सीने से लगा लिया। सीएम ने उन्हें माला पहनाई। टनल के बाहर स्थानीय लोगों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। वहीं कानपुर में लोगों ने पटाखे जलाकर और तिरंगा फहराकर जश्न मनाया। टनल में फंसे मजदूर मंजीत के घर लखीमपुर खीरी में भी लोगों ने पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी। ये जो मुश्किल नहीं था, एक वॉर था, ये वॉर फॉर ह्यूमैनिटी। तो हम इतना 41 जनों को इनफैक्ट उसको बचाने का हमारा मेन मिशन था। वो ऐसा मिशन वी आर ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड उसमें हमारा जो क्या है, जब हमको मिला, सब लोग एक क्राइसिस है, सब लोग अपना अपना क्या टेक्नोलॉजी लेके आए। बट हम तो बहुत खुशी की बात है कि हम एकदम वैल्यू कुड हैव लॉट ऑफ वैल्यू दिस टू द रेस्क्यू मिशन। हाँ, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग कुशल मार रहे हैं, सभी लोग कुशल मार रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो मुश्किल तो था बहुत ज़्यादा, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कितने दिन लग सकते हैं। आप बताइए अपना नाम बताइए, आप क्या? मैं कांस्टेबल देवेंद्र सिंह। आज हमें बहुत खुशी हो रही है बाबा भोगनाथ की कृपा से। आज 41 आदमी सब कुशल बाहर आ गए हैं और सभी स्वस्थ हैं, सब कुशल हैं। और आज का दिन हम बहुत गर्वशाली महसूस कर रहे हैं कि हमने ये इतना बड़ा ऑपरेशन था, इसको सब कुशल संपन्न किया। बोलो बाबा भोगनाथ की। जब यहाँ पर आप लोग आए थे तो क्या दिमाग में था, क्या मुश्किल हो सकता है इसके ऑपरेशन? हाँ, ये काफ़ी मुश्किल था क्योंकि जमीन के पीछे की बात है, कुछ पता नहीं लग रहा था कि कितने दिनों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न होगा। बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच निर्माणधीन सुरंग के एक हिस्से के धस जाने से सुरंग के भीतर काम कर रहे सभी मजदूर उसमें फंस गए थे। आज से ठीक 17 दिन पहले टनल में काम कर रहे 41 मजदूर सुरंग के भीतर फंस गए थे। इस टनल में बिहार के 4, उत्तराखंड के 2, पश्चिम बंगाल के 3, यूपी के 8, उड़ीसा के 5, असम के 2, हिमाचल प्रदेश का 1 और झारखंड के 15 श्रमिक फंसे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।